I cannot speak English like Sadhguruji, so I will speak in my own language. I understand English. I can speak a broken English, but I never speak in India, mostly in English, because I love my mother tongue, my mother language, my motherland. And जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब से ही मैं, हमारे गुरु जी इंटरनेशनल हैं, हम देसी आदमी. और फिजिकली स्वामी जी से इंट्रोडक्शन बिफोर 1 वीक हुआ होगा, लेकिन स्पिरिचुअली जब हमने स्वामी जी को देखा, तब हमें लगा कि न जाने कितने युगों युगों से हम साथ में. इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतना वात्सल्य, कंपैशन, मर्सी, डिवाइन लव, अगाफे लव. हाँ स्वामी जी, अब वैसे भी हम काली दाढ़ी वाले, ये सफेद दाढ़ी वाले, हमारे बाप तो वैसे थे. तो हमारे तो पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं, और इनके सामने हम कुछ भी बोले तो सब माफ है. बहुत प्रेम स्वामी जी का, सदगुरु जी का. आज हम बहुत जल्दी आना चाहते थे, बहुत लेट हो गए. मैं 5 बजे से चल रहा हूँ मॉर्निंग में. यहाँ पहुँचे, हमने सोचा यहाँ बहुत डांटेंगे महाराज, लेकिन आप सबने इतना प्रेम दिया. मैं पहली बार खास करके कोयम्बटूर में आया हूँ, और वो भी मुझे लगता है मैं एक हिमालय से दूसरे हिमालय में आ गया. हम तो सोचते थे कि शिवजी महाराज हमारे हैं, हिमालय के हैं, यहाँ के देखा शिवजी महाराज तो आपके हैं. हर एक के भीतर, उसके अंतर मन में, उसके बॉडी में, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में, उसकी सॉल में, उसके उसके एक एक रोम रोम में शिवत्व व्याप्त है. शिवोहम शिवोहम, ये पवित्रता इतनी भरी हुई है आप में. ये ईशा फाउंडेशन सच में भगवान शिव का धाम बन गया है. और हमारे शिव भोले तो सामने है. Yeah.
Very divine experience with the Swamiji. ऐसी कल्पना तो नहीं की थी यहाँ आने से पहले, और जैसा कि मैंने कल ही कहा था, मुझे भारत पर और भारत के हिमालय पर और उसकी गंगा पर बहुत गर्व होता था कि मैं वहाँ रहता हूँ, और सच में वो गर्व भी है हमारा। तो एक हिमालय जहाँ भगवान शिव का साम्राज्य था, उनकी आध्यात्मिक सत्ता वहाँ से दूर तक फैली, और यहाँ उन्होंने तप किया आकर के, तो ऐसा लगा कि मैं दो हिमालयों के बीच में आ गया हूँ। और यहाँ जो शिव की भक्ति के साथ साथ जो शिवत्व है हमारे साधकों में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के कण कण में, वो शिवत्व बहुत ही आनंद देने वाला, प्रेम देने वाला, वो करुणा से भरा हुआ। और पूज्य श्रद्धेय वंदनीय सद्गुरुदेव स्वामी जी का कृपापूर्ण जो संस्पर्श है, उससे अंतर्मन बहुत आनंदित है, और एक बहुत गहरी आध्यात्मिक शांति यहाँ प्रतिपल महसूस की जा सकती है।